पाकिस्तानी सेना प्रमुख और इमरान खान के बीच जारी जंग अब अपने चरम पर पहुंचती नजर आ रही है। पाक के पूर्व पीएम इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद से पाकिस्तान में जो हिंसा भड़की उसे लेकर पाकिस्तानी सेना ने सख्त रवैया अपनाया है। अब पाकिस्तान की सेना ने अराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई का मन बना लिया है, जिन्होंने इमरान के समर्थकों को सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के लिए उकसाया था। हमला करने वाले पाकिस्तान तहरीके इंसाफ यानी पीटीआई के समर्थक बताए गए। इसके बाद सेना ने इस पूरे घटनाक्रम को विदेश से उकसाया गया हमला करार दिया। सेना ने इस पर किसी तरह का समझौता न करने का संकेत भी दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक विशेष कोर कमांडर्स की रावलपिंडी में एक अहम बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में मौजूद पाकिस्तान के थल सेना अध्यक्ष जनरल सैयद असीम मुनीर को 9 मई से कानून और व्यवस्था के बारे में विस्तार तौर पर जानकारी दी गई थी। इस बैठक में खुलासा हुआ कि स्मारकों को अपवित्र करने, ऐतिहासिक इमारतों को जलाने और सैन्य प्रतिष्ठानों में आगजनी करने की योजना पहले से बनाई गई थी। फोरम ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और साथ ही उपद्रवियों पर उचित कार्रवाई करने की बात भी कही है। इस घटना के बाद सेना ने फैसला लिया है कि वह इससे जुड़े एक शख्स को भी छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि ये देश की सेना पर हमला है जो एक जघन्य अपराध है। बताया जा रहा है कि दोषियों को पाकिस्तानी सेना अधिनियम और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम सहित अन्य पाकिस्तान से जुड़े कानून के तहत कटघरे में लाया जाएगा ताकि उचित न्याय हो सके। सेना अधिनियम और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत मुकदमा इमरान खान और उनके साथियों को भारी पड़ सकता है। ऐसे में इमरान खान सहित उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर ऐसे आरोप लग सकते हैं जिसकी सजा आजीवन कारावास या मौत तक हो सकती है। पाकिस्तानी सेना का फैसला इमरान खान के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है। ये बात साफ है कि सरकार और सेना का इमरान खान के खिलाफ इस तरह का सख्त और आक्रामक रवैया अपनाना उनकी कहानी को पूरी तरह से खत्म कर देना है, उनकी पार्टी के आकार को कम करना है और उनके जन समर्थन के आधार को हिलाकर रख देना है।